अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए बहुत ही इजी रेसिपी बना रहे हैं, अंडा पराठा। उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें आप। इसके लिए हम ले रहे हैं 2 अंडे ले रहे हैं, 2 अंडे लेंगे। बहुत ही इजी है, ना ही आटा गूंदने की झंझट और ना ही पराठा बेलने की झंझट, बहुत ही आसान है सबके लिए। बहुत ही आसानी हो जाएगी, आप बनाइएगा। अंडों को अच्छे से फेंट लें, बिल्कुल अच्छे से फेंटना है ताकि अंडे की जो थोड़ा सा फ्लफी हो जाए अंडा। इसमें हम मिलाएंगे 1 कप दूध। आप दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दूध डाला है। आधा दूध आधा पानी भी डाल सकते हैं, जिसे आप अपने लिए बेहतर समझे। इसको मिक्स कर लें। अब हम इसे मिक्स करके इसमें डालेंगे हम लोग नमक मिलाएंगे इसे, और इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे हम लोग। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे आटा। हमने मैदे का आटा लिया है, आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, जो बेहतर समझें आप। इसमें मिक्स करें, आटा डालें थोड़ा थोड़ा और मिक्स करते जाएं। आटे की गुटियां ना बने इसलिए आप मिक्स करें। सारा आटा डाल के मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स करना है, जिसे ये गाढ़ा सा गोल बन जाएगा, इसका पेस्ट बन जाएगा। देखें, अब हम इसमें डालेंगे चॉप अनियन, बारीक सी चॉप कर ली है। धनिया डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे जो हमने चॉप कर लिए। सब चीज़ों को इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट तैयार होने वाला है। अगर छोटे बच्चे हैं तो आटा गूंदने का और बहुत ज़्यादा मसला होता है, और फिर बच्चों को ऐसी चीज़ें बनाने के लिए देते हैं तो टाइम लग जाता है। इसलिए आप ये ट्राई करें और आप देखें इसमें कितना टाइम की भी बचत है, और आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब इसमें हम चुटकी भर सिर्फ इसमें हम डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। ज़रूरी नहीं है डालना, आप ना डालें। मैंने चुटकी भर डाला है ताकि थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा स्मूथ सा बन जाए। मैंने चम्मच लिया है, इसको घी से ग्रीस कर लिया है ताकि बेटर ज़्यादा चम्मच पे चिपके ना, और वो ज़ाया जाता है, इसलिए मैंने इसको पहले चम्मच को घी लगा लिया है। अब बेकिंग सोडा को हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें, सोडा डाल दिया हमने बेकिंग सोडा। अब हमने तवे पे घी डाला है। मैंने पराठा बनाया है इसलिए मैंने ये तवा लिया है। फ्राई पिन में भी हम कर सकते हैं, फ्राई पिन में ज़्यादा अच्छा शेव आता है। नॉन स्टिक फ्राई पिन होगा तो क्या, उसमें घी भी कम जाएगा। बेटर डाल के इसको फैला दें अच्छे से आप। काफ़ी बड़ी साइज़ का इतने बेटर में हमने 4 पराठे बन गए थे, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे, और टाइम भी उतना ही लगता है जितना हम रोटी का पराठा बनाते हैं बेल के, उतने ही टाइम में ये बन के तैयार हो जाता है। इसको तलने में भी इतना ही टाइमिंग लगती है, ज़्यादा नहीं लगती है। और माशाल्लाह से देखें, ये बहुत फ्लफी सा बना है। मैंने बेकिंग सोडा डाला है इसलिए ये थोड़ा सा फ्लफी सा बना है। आप बिल्कुल रोटी की तरह बनाना है तो आप बेकिंग सोडा ना डालें। ऐसे ही हम सारे पराठे बनाएंगे। ये जो सालन का चमचा है, मैंने 2 चम्मच इसमें डाले हैं। आप छोटे छोटे भी बना सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो छोटे से पराठे बना लें। 1 कटोरी हमने आटा लिया था तो, और 2 अंडे लिए थे, उससे हमारे 4 पराठे बन गए थे। खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं, और इंशाल्लाह मैं गेहूं के आटे में भी बना के दिखाऊंगी, और वो बारीक रोटियों की तरह बनाऊंगी। उसको आपको देख के समझ आ जाएगी कि
रोटियों की तरह भी बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए हमारे पराठे तैयार हैं, आप भी बनाइएगा। देखिए हम आपको कट करके दिखाते हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, स्मूथ से देखें। और व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद कीजिएगा।